हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को चौकोर वाला क्वेश्चन के और एक डिज़ाइन बताऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, मुझे चाहिए इंची टेप, सुई, सीजर, स्केल, धागा और पेन, और कपड़ा तो चाहिए। देखिए, मैं कपड़ा काट लिया, 27 इंच काट लिया। इस साइड में भी 27 इंच, इस साइड में भी 27 इंच, दोनों साइड मतलब चौकड़ बनाया है ये। देखिए, ट्वेंटी सेवन इंच है, इस साइड से भी 27 इंच है। ट्वेंटी सेवन इंच काट लिया। देखिए, अभी इधर देखिए, कागज़ में मैं डिज़ाइन बना लिया। पहले ये देख लीजिए, साइड में छोड़ना है 5 सेमी करके, चारों साइड से ऐसे ही 5 सेमी करके छोड़ना है। और इधर जो डिब्बा बनाया तो ये 2 सेमी करके लिया। देखिए, 2 सेमी करके इधर से इधर, फिर ऐसे ऐसे करके 2 सेमी लिया है। 5 बॉक्स बनाना है, ऊपर भी ऐसे ही 2 सेमी करके लेना है। फिर इसको लाइन को मिलाना है, फिर ऐसे बॉक्स बनेगा। और फिर 6 सेमी छोड़ना है, छोड़ने के बाद फिर से 2 सेमी करके बॉक्स में ऐसे निशान लगाना है, बॉक्स बनाना है। फिर से 6 सेमी छोड़ना है, फिर से 2 सेमी करके बॉक्स बनाना है, फिर से 6 सेमी करके छोड़ना है। और इधर तो छोड़ना ही है 5 सेमी करके। और लंबाई में इधर से भी ऐसे 6 सेमी छोड़ना है, फिर ऐसे बॉक्स बनाना है 2 सेमी करके, फिर से 6 सेमी छोड़ना है, 2 सेमी का बॉक्स बनाना है, ऐसे करना है। 4 बॉक्स ऐसे तैयार होगा। मैं कागज़ में उतना अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कागज़ छोटा पड़ गया है। तो ऐसे बॉक्स 4 बॉक्स बनेगा। इधर मैं 3 बॉक्स बनाया, ऐसे 4 बॉक्स बनेगा। इधर जैसे 4 बॉक्स बना है, इधर भी 4 बॉक्स बनेगा। तो देखिए, कपड़े में मैं भी डिज़ाइन बना लिया। ये देखिए, 5 सेमी छोड़ के इधर निशान लगाया, फिर से 2 सेमी करके निशान लगाया। लगाने के बाद देखिए, इस साइड भी 2 सेमी करके निशान लगाया। देख सकते हो आप लोग, 2 सेमी करके निशान लगाया। फिर लगा के फिर इसको जॉइंट कर दिया। ये जो 6 सेमी है इसको सिलना नहीं है, इसको छोड़ना है। और ये है, ये 5 सेमी, और ये है 2 सेमी, और टोटल है 27 इंच। तो देखिए, मैं सिल के दिखाती हूँ। मैंने पूरा निशान लगा लिया, अभी मैं थोड़ा सा सिल के दिखा देती हूँ। देखिए, इधर से ऐसे लेना है, देखिए, फिर इधर फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके खींच के तो नॉट लगाना है।
फिर से देखिए। ऐसे लेना है, ऐसे नेक लेके थोड़ा नॉट लगाना है। फिर इसमें बनाना है, देखिए ये बॉक्स तो छोड़ना ही है, फिर इधर से शुरू होगा। देखिए अभी ऐसे खींचना है धागा को तो ये फ्लावर बन जाएगा।
दो लाइन कंप्लीट हो गए, अभी तीसरा लाइन करना है। देखिए ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ऐसे सेम तरीके से पूरा बॉक्स सिलना है, जैसे ये मैं सिल लिया वैसे ही सिलना है पूरा। मैं और सिल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ए बॉक्स जैसे बनाए सेम ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और उल्टा साइड मैंने और लाइन खींचा है और सीधा साइड कुछ ऐसे बनेगा। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले इसको सिलना है फिर और दूसरा दूसरे बार भी इसको सिलना है। तो मैं पहले पूरा कर लेती हूँ फिर मैं दूसरे बार दिखाती हूँ। तो देखिए इस साइड पूरा सिल लिया, अभी फिर से सिलना है। ये जो बीच का जो फ्लावर है ये चारों को लेके ऐसे नॉट लगाना है। ऐसे लेके ऐसे नॉट लगाना है बीच में।
बीच के जैसे सिल लिया। अभी ये जो कॉर्नर में जो फ्लावर है इसका दो लेके ऐसे नॉट लगाना है। बीच में जो फ्लावर था उसको चारों को एक साथ नॉट लगाया और जो फ्लावर है सभी को दो दो करके नॉट लगाना है। देखिए इस साइड में भी दो कर लेके ऐसे नॉट लगाना है। सभी को ऐसे दो दो पकड़ के फिर इस साइड ये दो दो को पकड़ के ऐसे नॉट लगाना है। अभी देखिए इस साइड में भी एक, इस साइड में एक, इस साइड में एक, इस साइड में एक, ये चारों को भी ऐसे ही थोड़ा सा सिलना है। पहले चारों को एक साथ सिल लिया बीच का जो है, फिर ये जो चारों कॉर्नर में जो फ्लावर है दो दो करके सिल लिया और बीच में देखिए एक एक करके रहेगा, इसको भी ऐसे करके नॉट लगाना है। देखिए तो ऐसे करके पूरा सिलना है, मैं एक सिल के दिखा दिया। देखिए सामने साइड कुछ ऐसे बनेगा, पहले तो ऐसा है, अभी देखिए ऐसे बनेगा सिलने के बाद। तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे सिल के। देखिए ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसको करना क्या, इसी साइज़ का एक कपड़ा और मैं काट लिया। अभी इसको सीधा ही रखना है और ये जो कपड़ा काट लिया इसको उल्टा करके ऐसे
ऐसे करके अभी सिलना है। तो मैं सिल लेती हूँ, देखिए मैं सिल लिया पूरा। अभी सिल के अभी इसमें रुई बस भरना है। तो ऐसे करके मैं पूरा रुई भर लेती हूँ, इसमें रुई भर लिया। अभी देखिए इधर जो है इस जगह को अभी इधर सिलना है। देखिए कुशन कंप्लीट हो गया।